Hello students, my name is Sagar Pandya and today we are going to learn one of the most interesting part of the entire year. That is, what is the reduction in syllabus for 12th standard political science? Let's begin. So, now when we are learning about political science ka reduced syllabus, first of all congratulations to everyone because tum logo ka 17-20% portion reduce kiya gaya hai. So usme kya kya reduce kiya hai, I'll just request you all ke tum log apna textbook leke baitho and main tum logo ko jitna bhi page numbers bol raha hu chapter wise wo hum log cancellation start karenge. चैप्टर वाइज कैंसलेशन चालू करेंगे, मतलब आई विल बी गिविंग यू चैप्टर वाइज पेज नंबर वाइज क्या क्या पैराग्राफ्स कैंसिल किए हैं उसके बारे में तुम लोगों को ये मैं आज ब्रीफ करने वाला हूँ. सो लेट्स बिगिन टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस. देर आर 6 चैप्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस जिसमें से तुम लोगों को एक भी चैप्टर पूरा का पूरा कैंसिल नहीं किया गया. क्लियर? 6 चैप्टर्स है. द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द वर्ल्ड सिंस 1991 इन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 5th पेज नंबर दैट इज पेज नंबर 5. उसमें पेज नंबर 5 में तुम लोगों का ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस एंड ह्यूमन राइट्स वाला जो ये ब्लू बॉक्स है ये पूरा का पूरा ब्लू बॉक्स कैंसिल किया गया है. दैट इज़ बिगिनिंग फ्रॉम ह्यूमन राइट्स इन द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड से लेके लास्ट में दैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन लॉ तक. उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट पेज दैट इज पेज नंबर 6. उसमें जो ये ग्रीन बॉक्स दिया है दैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन रोल प्लेड बाय इंडिया. उसमें जो लास्ट में पूरा का पूरा इन शॉर्ट बॉक्स कैंसिल किया हुआ है. उसके बाद कमिंग टू पेज नंबर 7 द वेरी नेक्स्ट पेज द वॉर ऑन टेरर. उसमें पूरा का पूरा ये पूरा वॉर ऑन टेरर वाला ग्रीन बॉक्स कैंसिल किया हुआ है. दैट इज़ ऑन पेज नंबर 7. उसके बाद मूविंग टू द पेज नंबर 11. पेज नंबर 11 में जो तुम लोगों को डू यू नो सेक्शन दिया हुआ है हाउ डज़ द यूरोपियन यूनियन वर्क, वो वाला पूरा यूरोपियन यूनियन वर्क वाला जो डू यू नो सेक्शन है वो कैंसल्ड है. तुम लोगों को ये पूरा ग्रीन बॉक्स कैंसल्ड है. ये ग्रीन बॉक्स कैंसिल किया है मतलब डिटेल में तुम लोगों को इतना ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. यूरोपियन यूनियन ओवरऑल इन ब्रीफ डिटेल में नहीं पढ़ना है, ओवरऑल पढ़ लेना है. ये हुआ चैप्टर नंबर 1. कमिंग टू द सेकेंड चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 2 की कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज सिंस 1991 ग्लोबलाइजेशन. अभी इसमें पेज नंबर 16 पे है. पेज नंबर 16 पे जो डू यू नो सेक्शन था जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड गैट्स वाला ये पूरा पैराग्राफ तुम लोगों का ग्रीन बॉक्स जो है ये पूरा ग्रीन बॉक्स कैंसल्ड है. ग्रीन बॉक्स के अलावा पेज नंबर 17 पे जब भी हम लोग आते हैं व्हाट डू यू थिंक पेज नंबर 17 ब्लू बॉक्स ग्रीन बॉक्स है. बच्चा लोग इसमें जो मल्टीनेशनल कंपनी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन का जो सेक्टर है वो हम लोगों को पढ़ना है, बट जो ब्लू बॉक्स है व्हाट डू यू थिंक वाला कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया वाला वो पूरा कैंसल्ड है. उसके अलावा दिस इज़ पेज नंबर 17 और 16 और 17 दो ही कैंसलेशन है इसमें. दैट इज़ इन चैप्टर नंबर 2. मूविंग फॉरवर्ड विथ चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 कौन सा चैप्टर है? दैट इज द की कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज सिंस 1991 दैट इज़ ऑन ह्यूमैनिटेरियन इशू. अभी इसमें हम लोग जाएंगे पेज नंबर 27 पे. पेज नंबर 27 पे जो तुम लोगों को दिख रहा है फाइंड आउट एंड डिस्कस, बच्चा रिमेंबर ग्रीन बॉक्स है तुम लोगों को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, बट जो रेड बॉक्स है वो कैंसल्ड है फाइंड आउट एंड डिस्कस वाला. उसके बाद पेज नंबर 28 पे, पेज नंबर 28 पे जो डू यू नो सेक्शन है दैट इज़ द सेकेंड डू यू नो सेक्शन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से लेके पॉवर्टी इरेडिकेशन तक वो पूरा कैंसल्ड है. पेज नंबर 29 पे जो तुम लोग अगर जाओगे पेज नंबर 29 पे जो प्लानिंग कमीशन वाला है वो कैंसल्ड है. एंड प्लस उसके अलावा जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला ग्रीन बॉक्स है वो भी कैंसल्ड है. मतलब इन शॉर्ट पेज नंबर 29 पे दोनों कैंसलेशन डू यू नो बॉक्सेस है वो दोनों कैंसल्ड है. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट पेज नंबर 30. पेज नंबर 30 पे जो फाइंड आउट वाला है वो तुम लोगों को बराबर से पढ़ना है. फाइंड आउट पूरा कैंसल्ड है. वापस बोल रहा हूँ, फाइंड आउट पूरा कैंसल्ड है. पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट था स्टार्टिंग में जब भी हम लोगों ने देखा था, बट दिस वॉज लेटर ऑन कैंसल्ड जब भी अपडेशन आया वो टाइम पे. मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पार्ट, ये हुआ चैप्टर नंबर 3.
मूविंग चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 41 पे। चैप्टर नंबर 4 सबसे पहले कंटेम्प्ररी इंडिया एंड व्हाट आर द चैलेंजेस टू पीस स्टेबिलिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, उसमें वी आर गोइंग टू पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 पे कौन सा पार्ट कैंसल्ड है, तो लेट अस सी। पेज नंबर 41 पे जो फाइंड आउट एंड डिस्कस वाला पार्ट है, दैट इज फाइंड आउट, ये रेड बॉक्स जो दिया हुआ है, आसाम ऑयल ब्लॉकेड एंड असासिनेशन ऑफ राजीव गांधी, ये पूरा कैंसल्ड है। एंड अलॉन्ग विद दैट पेज नंबर 42 पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन बाय गवर्नमेंट इन लोकसभा है, ये ब्लू बॉक्स, ये पूरा कैंसल्ड है। दैट इज वो लास्ट में जो वो पूरा दिया हुआ है, ये पूरा बॉक्स, दैट इज स्टिल नंबर ऑफ ओकेशंस, ये पूरा कैंसल्ड है, ये पूरा कैंसल्ड है। इसके अलावा नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 में सम एग्जांपल्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज दिया हुआ है, टेररिस्ट अटैक्स दिया हुआ है, दैट इज ब्लू बॉक्स, वो पूरा ब्लू बॉक्स कैंसल्ड है तुम लोगों को। दैट इज यहाँ पे स्टार्टिंग विद, जब भी हम लोग देख रहे हैं, ब्लू बॉक्स स्टार्ट इधर होता है पेज नंबर 44 पे, बट एंड होता है ऑन पेज नंबर 45। तो 45 पे तुम लोगों को जो दिया हुआ है नैक्सलाइट ग्रुप, वहाँ तक पूरा, इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा ब्लू बॉक्स तुम लोगों को पेज नंबर 44 से 45 कंटिन्यू हो रहा है, ये पूरा कैंसल्ड है। दैट इज स्टिल चैप्टर नंबर 4। कमिंग टू चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 कौन सा, कंटेम्प्ररी इंडिया एंड द गुड गवर्नेंस, उसमें पेज नंबर 55 पे जो दिया हुआ है, पेज नंबर 55 पे जो 6 पिलर्स दिए हुए हैं वो कैंसल्ड है। पेज नंबर 55 पे जो 6 पिलर्स दिए हैं, ये वाले, यस, ये वाला जो डायग्राम है वो कैंसल्ड है। एंड पेज नंबर 56 पे जो ये बॉक्स दिया हुआ है ऑरेंज वाला, ये पूरा कैंसल्ड है। सो पेज नंबर 55 एंड 56 दोनों का 6 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस कैंसल्ड है। एंड द लास्ट वन, दैट इज ऑन पेज नंबर 60, द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, इंडिया एंड द वर्ल्ड। एंड इसमें जो डू यू नो सेक्शन था, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिलिट्री अलायंसेज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ये पूरा डू यू नो का बॉक्स, ग्रीन बॉक्स कैंसल्ड है। सो टोटल, इन टोटल इतने कैंसलेशन दिए हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। द पोर्शन इज़ वेरी ईजी, वी आर गोइंग टू रॉक इट, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आई विल बी देयर विथ यू ऑल, आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोज ऑन हिस्ट्री एंड पोलिटिकल साइंस फॉर यू ऑल। सो टिल देन स्टे ब्लेस्ड, थोड़ा मेहनत करो, पढ़ाई करो, एंड वील बी हैविंग अ ग्रेट टाइम। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।